कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको बिहार टीईटी का जो आंसर किया सामाजिक विज्ञान का वो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं नया वीडियो आपको नहीं दे पाया आंसर की का। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो आंसर की का तो एक बार जरूर आप मेरा आंसर की देख लें। मैं कोशिश किया हूँ कि हद तक सही होने का, लेकिन पूर्ण गारंटी नहीं होगा कि स्टूडेंट्स पूरा 100% सही होगा, लेकिन हाँ 90% तक आपका जो आंसर की है जो मैं अभी दे रहा हूँ वो 90% तक सही होने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर मिला लें। सबसे पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का जो खंड बी था सामाजिक विज्ञान, उसके तहत जो पूछा गया क्वेश्चन है उसका आंसर की पहले आप देख लें। ये क्वेश्चन सेक्शन बी पार्ट है और ये जो क्वेश्चन का है वो ए ग्रुप का ये है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था 31 नंबर, सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से ली गई विषय वस्तु में शामिल है, तो उसमें आपका दिया पहला क्वेश्चन का ऑप्शन था इतिहास भूगोल, मतलब दूसरा भूगोल था, तीसरा अर्थशास्त्र था, चौथा मानव विज्ञान। तो इसके तहत आप तीन चीज का अध्ययन करते हैं समाज विज्ञान में, वो है इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र। तो ये तीनों ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो कि एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को संश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो, बच्चे उस सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को समझे और उनमें क्षमता की विकसित हो, तो ये इसका आंसर होगा। समाज विज्ञान का शिक्षण निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो अवधारणा निर्माण होना चाहिए, उसके बाद ज्ञान बढ़ना चाहिए, कौशल आना चाहिए, क्षमता तथा मूल्य बोध होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर जो 33 का है, ऑप्शन नंबर ये तीनों जो आपका जो इनमें से सभी होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसमें ऑप्शन एक में था अवधारणा निर्माण, बी में था ज्ञान, और सी में था कौशल एवं क्षमता, और डी में था मूल्य बोध। तो इसमें सारा होना चाहिए, सभी कुछ का अध्ययन मतलब ज्ञान होना चाहिए, केंद्रित ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका सभी होगा। और ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ग्रुप ए का डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का डी। ठीक है, उसके बाद बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन दिया था जिसे अतीत से वर्तमान भाग 2 कक्षा 6, हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8, हमारी दुनिया भाग 2 कक्षा 7, और डी में ऑप्शन था सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 कक्षा 7। तो यहाँ पे आंसर होगा बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो अतीत से वर्तमान भाग 2 कक्षा 6 ये सुमेलित नहीं है। आप आंसर की मिला लें। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान को मुक्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है आपका, सामाजिक विज्ञान की मुक्त सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए। आरंभिक मानव के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य पाषाण काल की तुलना में पुरापाषाण के औजार अधिक परिष्कृत हैं। ठीक है, देखिए पुरापाषाण पहले बीता है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मध्य पाषाण उसके बाद आया है, तो पुरापाषाण काल का अधिक परिष्कृत नहीं होगा। ये आपका आंसर सही है बिल्कुल जो मैंने लिखा है। अब देखिए हड़प्पा शहर, हड़प्पाई शहरों में धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से, ठीक है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में आपने सुना ही होगा, और जिसके अंतर्गत आपको सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इसको, हड़प्पा जिसे मोहनजोदड़ो हुआ, तो उसी के अंदर धौलावीरा भी एक शहर था छोटा सा, तो हड़प्पाई शहरों में ये भी आता है, क्योंकि आसपास की जितनी भी सभ्यता थी उनकी जो समानताएं थी। तो जो कथन सही नहीं है वो है निचले नगर को किलेबंद की गई थी, तो निचले नगर को किलेबंद नहीं किया गया था स्टूडेंट्स, ये आपका सही नहीं है। ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस में आपको सुना दूं क्या क्या है वो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे था कि संपूर्ण शहर को 3 भागों में बांटा हुआ था,
गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट था गढ़ी, जिसको सिटेडल बोला जाता है, तो उसमें जितने भी प्रशासक वर्ग के लोग थे, विद्वान योद्धा, वो रहते थे। मध्य नगर में व्यवसाय रहते थे और निचले में कामगार जो श्रमिक थे वो रहते थे। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही था। उसके बाद ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, निचले नगर को किलेबंद की गई थी, तो निचला नगर खुला था, उसको किलेबंद नहीं किया गया था। यहाँ से ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, निचले नगर की किलेबंद की गई थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए ऑप्शन तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए चित्रित धूसर मृदभांड, मृदभांड की चर्चा में अगर आपने मेरा हिस्ट्री लेक्चर अगर आपने सुना होगा, तो उसमें मैं मृदभांड को दिखाया भी था और बताया भी हूँ। तो प्रयोग में लिखे हुए किस सभ्यता द्वारा मुक्त तौर पर किया जाने का प्रमाण मिला है, तो मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में मिला है। जो कि मैंने आपको हिस्ट्री, जब मेरा जो इंडस सिविलाइजेशन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर जो आपको वीडियो लेक्चर बना के दिया था, और उसमें ये सारा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा मेरा, तो जरूर आपने बनाया होगा। आप देखिए ये भी क्वेश्चन से मैंने वहाँ पे चर्चा किया था, प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी, तो वैशाली बज्जी के बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी, तो यहाँ पे आंसर जो है वैशाली, ऐसे लक्ष्मी भी था और बज्जी। प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी, तो लक्ष्मी भी संभावना है, क्योंकि लक्ष्मी वैशाली से ही संबंधित है। तो यहाँ वज्जी, वज्जी नहीं होना चाहिए, लक्ष्मी, इसका आंसर लक्ष्मी होना चाहिए। तो इसको मैं लक्ष्मी कर देता हूँ, मेरे समझ से लक्ष्मी ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वज्जी नहीं होगा यहाँ पे, लक्ष्मी होगा। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, लिच्छवि जो कि प्रथम गणतंत्र भी है, इसके बारे में भी मैं चर्चा किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पे स्थान, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको सुधार लेते हैं। क्वेश्चन है यहां पे स्टूडेंट्स की बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए था लुम्बिनी, बी है राजगिरी, और तीसरा है बोधगया, और चौथा है केसरिया। तो लुम्बिनी में तो उनका जन्म ही हुआ, राजगिरी में तो वो उनको ज्ञान मिला है, बोधगया में तो उन्होंने प्रचार ही किया ज्ञान का। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, और जो संबंधित नहीं है वो है केसरिया। केसरिया यहाँ संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर केसरिया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अब देखिए बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला है बराबर पहाड़ी की गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं का अशोक द्वारा जैन संप्रदाय के साधुओं को दान दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के का प्रचार किए थे, और यहाँ पे जैन संप्रदाय के बारे में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। और बौद्ध ने जो भी चीज दिया है दान में वो अशोक ने जो भी चीज दान में दिया है वो बौद्ध धर्म को दिया है, तो जैन संप्रदाय के साधुओं को उन्होंने कुछ नहीं दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे यही आंसर होगा, इन गुफाओं को अशोक द्वारा जैन संप्रदाय के साधुओं को दान में दिया गया था, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन के लिए जितना भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल नहीं वाला, गलत वाला पूछा गया है, तो अच्छे से इसको ध्यान से आंसर देखिए। यहाँ पे
निम्न में से बिहार के ऐतिहासिक नालंदा महान बिहार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है महान आचार्य शीलभद्र इसके अध्यक्ष थे जब इत सिंह वहां शिक्षा लेने गए थे, ये बिल्कुल वहां पे गलत कथन है। ठीक है, ब्रह्म लिपि, देखिए ब्रह्म लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और आप जानते होंगे अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं उसमें ब्रह्म लिपि के भी बहुत सारे थे। तो जेम्स प्रिंसेप जो अशोक का जो सबसे पहला शिलालेख पढ़े थे और वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ही होगा आंसर। चलिए उसके बाद है फुहार क्या था, तो दक्षिण भारत का संगमकालीन बंदरगाह है। ठीक है, संगमकालीन बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो पहला था आपका वातापी, तो चालुक्य बिल्कुल सही है। उसके बाद है पल्लव महेंद्र वर्मन प्रथम, ये भी सही है। चालुक्य पुलकेशियम द्वितीय, ये भी सही है। चंदेल महाबलीपुरम, तो ये गलत है, महाबलीपुरम का संबंध यहाँ पे सुमेलित नहीं है चंदेल के द्वारा, क्योंकि तो चंदेल अलग है और महाबलीपुरम जो है साउथ इंडिया में पड़ता है, तो ये दोनों अलग अलग प्रांत हैं, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बिल्कुल सही है चंदेल महाबलीपुरम। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कालानुक्रम के हिसाब से सही है? तो शेरशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, तो ये कालानुक्रम के हिसाब से यहाँ पे सही है। अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बाबर अकबर है, जो कि गलत है क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं आया था, अकबर हो नहीं सकता यहाँ पे। अब शाहजहां ये भी नहीं होगा, शाहजहां के बाद हुमायूं नहीं होगा, औरंगजेब के बाद जहांगीर भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक बार हुमायूं आया था फिर मतलब शेरशाह ने उसको प्राप्त करके दिल्ली का गद्दी हथियाया था, फिर यहाँ पे फिर दोबारा हुमायूं आया है, तो ऑप्शन नंबर बी शेरशाह, हुमायूं, फिर अकबर, हुमायूं का पुत्र था अकबर, फिर उसका पुत्र जहांगीर, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है 46 का वो सही होगा। खानकाह क्या है? तो यह है सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती थी। खानकाह सूफी संत जो कि हिंदू मुसलमान दोनों एकता पे जोर देते थे और उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म के जो रहस्यवादी चिंतन है उस पर जोर दिया था और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पे बल दिया था, तो वो खानकाह कहलाता है जहाँ सूफी संत द्वारा इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और ये मैंने स्टैटिक जीके के तहत बताया भी था। न्यूमिसमेटिक्स क्या है? तो वो सिक्के का अध्ययन है। ठीक है, जब एपिलॉजी सारा चीज अध्ययन के बारे में बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे ये भी बताया था आपका न्यूमिसमेटिक्स क्या है, तो वो सिक्के का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभ सुख चैन की वर्षा बसरे। ठीक है, देखिए भारत भाग्य है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा दलित उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमाचल नीला जमुना गंगा। ये जो गीत है वो आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था और इसके जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे आजाद हिंद फौज के, तो ये याद रखना आपको, आजाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था ये। चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो श्री राजकुमार शुक्ल ने किया था। ये क्वेश्चन मैंने बिहार इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन में भी बताया था राजकुमार शुक्ल के बारे में। तो निम्नलिखित में से स्थान बिहार के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है भितिहरवा, बेतिया, मोतिहारी, तो ये भितिहरवा, बेतिया, मोतिहारी तो संबंधित है ही, नालंदा नहीं है। नालंदा संबंधित है तो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए संबंधित है जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। बिहार एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर 1912 ईस्वी में अस्तित्व में आया, तो किस राज्य से अलग होके आया? तो आपको पता ही होगा बंगाल से अलग होके आया, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिहार से रिलेटेड। 19वीं शताब्दी में विलियम एडम द्वारा देशी शिक्षा पर तैयार किए गए रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो वो है देशज विद्यालयों में शिक्षा के तरीकों में लचीलापन नहीं था, ये गलत है। यहाँ पे इतिहास का शिक्षण इस तरह किया जाना चाहिए कि
विद्यार्थियों को अपने विश्व में होते रहे बदलावों एवं निरंतरता की प्रक्रियाओं की खोज में सक्षम बना पाए। जो घटनाएं घटती है वही इतिहास होता है, तो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। कक्षा 8 के पाठ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? तो रोल प्ले, रोल प्ले होता है एक नाटक की तरह होता है, रोल प्ले करके वहाँ पे समझाया जाता है। संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर चर्चा करना, ठीक है, तो वहाँ पे छोटा सा नौटंकी करके वहाँ पे उसको समझाना, ये बहुत ही अच्छा शिक्षण विधि होगा। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का शिक्षण अगर करवाना है तो थोड़ा सा छोटा सा एक नाटक बना के रोल प्ले करते हुए डॉक्यूमेंट्री दिखाकर अगर चर्चा किया जाए तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, ये ऑप्शन होना चाहिए सही। पृथ्वी के विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन सही नहीं है, सही है ये नहीं पूछ रहा, सही नहीं है कन्फ्यूजन के लिए। तो सबसे ज्यादा दबाव और तापमान बीच की परत सीमा पर होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ता है वो कोर पे पड़ता है, तो बीचली सीमा पे नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपने पढ़ा ही होगा और 5-6 क्लास 7 में भी है, ये संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो आपने बना ही लिया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से बिहार कौन से जिले भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं? तो 5 में आता है आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, किशनगढ़, ठीक है। वायुमंडल के क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है तो वायुमंडल में वो 13 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? तो ज्वार, यहाँ पे ज्वार, ज्वालामुखी, भूकंप, दिन रात। देखिए दिन रात तो दैनिक पृथ्वी के दैनिक गति के कारण होता है, भूकंप तो होता नहीं है, ज्वार होगा, ज्वालामुखी जो होता है वो तो आंतरिक हलचल के कारण होता है, जब मैग्मा निकलता है रात मैग्मा तब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यहाँ पे ज्वार ही होगा जो कि समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और ये खास करके पूर्णिमा के दिन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के पूर्वी भूभाग में अवस्थित है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो मैं आगे टाइप करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में सारे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको मैं बताऊंगा। बाकी आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट वहाँ से पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे सिविक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो एक ही वीडियो लेक्चर में सारे के सारे मैंने कवर किया था और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से आए हैं। और 60 से लेकर 90 तक का जो क्वेश्चन है मैंने अभी टाइप नहीं किया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, 1 से 2 दिन में मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।